दोस्तों यह है Realme के True Wireless Buds Air 2 जिसे कंपनी ने 3 मंथ्स पहले लॉन्च्ड किया था। सो गाइस आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे Realme के Buds Air 2 के प्राइस एंड फीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों Realme ने फर्स्ट जनरेशन Buds Air को 2019 में लॉन्च्ड किया था और उस वक्त Realme ने काफी प्रीमियम साउंड क्वालिटी के वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए थे जो कि लेस देन हाफ प्राइस के थे Apple AirPods और Samsung के Galaxy Buds से। और अब काफी टाइम के बाद Realme ने इंट्रोड्यूस्ड किया है Buds Air 2 को जो कि Buds Air का प्रो वर्जन है, जहां कंपनी ने Buds Air 2 में कुछ वर्थी अपग्रेड्स किए हैं जिसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो Realme Buds Air 2 के चार्जिंग केस का डिजाइन काफी ग्लॉसी लग रहा है, वही दोस्तों वेट भी काफी लाइट है। इसके अलावा यहाँ पर दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर में। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो Realme के Buds Air 2 का प्राइस है 3,299 रुपीज और यह Realme के Buds Air के लॉन्च्ड प्राइस से काफी सस्ता है, जहाँ फर्स्ट जनरेशन Buds Air का लॉन्च प्राइस था 4,999 रुपीज। दोस्तों चार्जिंग केस की बात करें तो इसे सिंगल हैंड ओपन करना थोड़ा टफ है, जहाँ मैग्नेटिक पावर फील होती है इसे ओपन और क्लोज करने में। इसके साथ नीचे एक लाइट इंडिकेटर भी दिख जाता है जो बताता है कि आपके चार्जिंग केस की बैटरी लो है या फुल मोड में है। सो अगर ये LED इंडिकेटर रेड है तो बैटरी इज लो, और वही अगर ग्रीन इंडिकेटर शो करे तो इट इज फुली चार्ज्ड, और ब्लू शो करता है तो इसका मतलब है ईयरबड्स पेयरिंग मोड में है। और वही नीचे Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा चार्जिंग केस के टॉप कॉर्नर में कुछ डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों चार्जिंग केस की शेप एक राउंड रेक्टेंगल में देखने को मिल जाती है, जिसे अगर स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाए तो मुश्किल है। दोस्तों अब ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं इसकी लुक और क्वालिटी को। दोस्तों यहां पर भी मैग्नेटिक फील देखने को मिल जाती है, जिसे सिंगल हैंड से बाहर निकालना थोड़ा सा टफ है। दोस्तों अगर चार्जिंग केस की बात करें तो यहां पर अप टू 25 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, और वही 10 मिनट्स चार्जिंग से 120 मिनट्स का प्लेबैक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें USB टाइप सी का ऑप्शन देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। नाउ गाइस बात करते हैं अपने मेन कंटेंट Realme Buds Air 2 की। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो काफी यूनिक एंड एलिगेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 2 कलर वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट एंड सिल्वर। दोस्तों अगर वेट की बात करें तो Buds Air 2 बिट लाइटर है Buds Air Pro से, जिसका वेट है 34.5 ग्राम्स, और वही Buds Air Pro का वेट अराउंड 39.5 ग्राम्स था। दोस्तों डिजाइन की बात करें तो इस ईयरबड्स में सिल्वर कलर के पिलर काफी यूनिक बना रहे हैं इसके डिजाइन को, जहां दोस्तों व्हाइट एंड सिल्वर कलर का ड्यूल टोन मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। नीचे की और चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, और दोस्तों वेट की बात करें तो काफी लाइट है, जिसे यूज करने में काफी मजा आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो इसकी ऑडियो क्वालिटी को काफी इम्प्रूव कर देता है, और ड्यूल माइक का ऑप्शन भी मिलेगा फॉर कॉलिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करें तो Realme ने पार्टनरशिप की है विद द EDM ड्यूओ एंड द चेन स्मोकर्स के साथ, जहां पर काफी डीपली इस ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक एनहांस किया है। इसके अलावा Realme के Air 2 Buds में R2 इंटेलिजेंट नॉइस कैंसिलेशन चिप कम्बाइंस दी गई है फॉर पावरफुल परफॉर्मेंस विद अल्ट्रा लो पावर कंसम्पशन के साथ, और वही Buds Air 2 में ड्यूल माइक्रोफोन्स दिया गया है फॉर क्लियरली साउंड्स ड्यूरिंग कॉल्स इवन इन नॉइजी एनवायरमेंट्स। इसके साथ कंपनी इसमें IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन देती है। इसके अलावा यहाँ पर 10 मिलीमीटर के डायमंड लाइक कार्बन ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, और वही 10 मीटर की ब्लूटूथ रेंज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा प्लेबैक टाइम की बात करें तो सिंगल प्लेबैक में 5 आवर्स का टाइम देखने को मिल जाता है, और वही टोटल प्लेबैक टाइम की बात करें तो 25 आवर्स तक का टाइम देखने को मिलेगा। इसके अलावा ईयरबड्स के सिल्वर पिलर्स पर टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप और भी काफी सारे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसे आप Realme ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों Realme ऐप से काफी कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गेमिंग मोड, साउंड क्वालिटी मोड या नॉइस कैंसिलिंग मोड। सो दोस्तों ये था Realme का Buds Air 2 का प्राइस एंड फीचर्स। सो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।